अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल हैं। वेलकम है आपको एक बार फिर एम क्यू कुकिंग में। आज हम बना रहे हैं गोल्डन चिकन मसाला और इसमें हम इस्तेमाल करेंगे दो स्पाइसेस। साथ ही हम इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। आधा किलो मैंने लिया है चिकन, दो दरमियानी प्याज लिए है, इसको आप ग्राइंड कर लें। साथ ही लिया है आधा कप दही, 1 टीस्पून लिया है तंदूरी मसाला, कोई भी कंपनी का ले लें, 1 टेबलस्पून लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून लिया है अचार कुछ मसाला, 2 टेबलस्पून लेंगे लेमन जूस, नमक लेंगे हसब ज़रूरत, वन टीस्पून लेंगे ज़ीरा, साथ ही मैंने लिया है फूड कलर 1 पिंच, ये ऑप्शनल है, इसको हम कलर के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक बाउल में दही को हम मिक्स करेंगे। साथ ही हम इसमें अपना लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। और बाकी के भी मसाले इसमें शामिल कर देंगे, तंदूरी मसाला, अचार मसाला और नमक इसमें ऐड करेंगे। इसको भी अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे मीट, और लास्ट में हम इसमें डालेंगे लेमन जूस। मैरिनेशन के बाद हम इसमें लगाएंगे स्मोक। आप कोई सा भी छोटा सा फॉयल ले लें, उसको गर्म करें और साथ इसे स्मोक कर दें विद ऑयल। अब हम एक पैन में ऐड करेंगे ऑयल, साथ ही हम इसमें डालेंगे ज़ीरा। ज़ीरा गर्म होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे अनियन पेस्ट। अच्छी तरह से हम इसको भी भून लेंगे जब तक कि साइडों पे ऑयल नहीं आ जाता। ऑयल साइडों पे आ गया है और प्याज हमारी अच्छी तरह से भून गई है। अब इसमें ऐड करेंगे मैरिनेशन चिकन। अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए ढक के रख देंगे ताकि हमारा मीट जो अच्छी तरह से टेंडर हो जाए और सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पर मीट हमारा रेडी हो गया है, आप लोग देख सकते हैं, और पानी जो है अलग हो गया है गोश्त में से। तो अब हम इसे अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। मीट हमारा भुन गया है, आप देख सकते हैं साइडों पर आ गया इसके ऑयल। अब हम इसमें ऐड करेंगे कटी हुई अदरक, हरा धनिया और साथ ये हरी मिर्ची। अब इसे 2 मिनट के लिए हम मज़ीद ढक के पकाएंगे और मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। चिकन गोल्डन मसाला हमारा बिल्कुल तैयार है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और मुझे फॉलो कीजिए कर लीजिएगा इंस्टाग्राम पे मदी अंडरस्कोर कदर के नाम से। मेरी आईडी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी।
मुझे इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।